आरपीएम सेटिंग करना पड़ेगा, तो गाड़ी चालू करते हैं हम। तो ये देखिए गाड़ी चालू करने के बाद गाड़ी का आरपीएम कितना तेज है। तो बहुत ही इजी स्टेप्स है आरपीएम सेटिंग करने का। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल, आप सभी का मेरे टू व्हीलर टेक्निकल बाबा में स्वागत है। दोस्तों आज की जो गाड़ी आ रही है BS6 2021 में, उसमें यदि आरपीएम हाई हो गया है तो उसको कैसे लो करेंगे, और आरपीएम हाई होगा तो गाड़ी का माइलेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो बहुत इजी स्टेप से आरपीएम लो करने का, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पे बने रहे, जिससे मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या काम करेंगे जिससे आरपीएम लो होगा और गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा। तो आज मेरे पास गाड़ी आई हुई है TVS जुपिटर, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि आरपीएम लो कैसे करते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये TVS जुपिटर BS6 है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी का आरपीएम बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मैं गाड़ी चालू करता हूँ और सेल मार के चेक करके बताता हूँ। मैं देख रहे हैं आप, गाड़ी का आरपीएम ज़्यादा होने के कारण इसका टायर भी कंट्रोल नहीं होएगा, ऑटोमेटिक रेस होता रहेगा। तो ये गाड़ी का हम आरपीएम सेटिंग करेंगे, तो आरपीएम कैसा सेटिंग करेंगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए पहला हम गाड़ी खोलते हैं। दोस्तों मैंने गाड़ी खोल चुका हूँ, ये देखिए गाड़ी में इंजेक्टर है, और इंजेक्टर वाली गाड़ी का आरपीएम कैसा सेट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम एयर फिल्टर निकालते हैं बाहर, और एयर फिल्टर निकालने के बाद जो इसमें यहाँ पे आरपीएम बोल्ट दिया गया है, ये देखिए मेरे हाथ के पास ये आरपीएम बोल्ट है, इसको ढीला करके हम चेक करते हैं इसका आरपीएम कम होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले हम एयर फिल्टर बॉक्स बाहर निकालेंगे, तो एयर फिल्टर बॉक्स को हम खोलते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने एयर फिल्टर बॉक्स निकाल चुका हूँ, तो ये है इंजेक्टर, ये इंजेक्टर के ठीक जो एक्सेलरेटर वाला यहाँ बैठता है, तो उसके बाजू में है आरपीएम सेटिंग बोल्ट। तो ये आरपीएम सेटिंग बोल्ट को हमें लूज़ करके सेटिंग करके देखना है कि आरपीएम कम होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए हमें लगेगा 7 नंबर का टीप आना, क्योंकि इधर ना तो रिंग पाना ना फिक्स पाना, कुछ भी नहीं लगेगा। और अभी हम 7 नंबर का टीप आना लगा के ये नट को लूज़ करेंगे। तो ये नट हमारा लूज हो चुका है, अब लगाने वाले हैं हम 2 नंबर की एलंकी। तो एलंकी से हम सेटिंग करेंगे इसका आरपीएम। तो आरपीएम सेटिंग करने के पहले मैं बता दूं दोस्तों, अरे गाड़ी हमें चालू करना पड़ेगा, और गाड़ी चालू करने में हमें आरपीएम सेटिंग करना पड़ेगा। तो गाड़ी चालू करते हैं हम। तो ये देखिए गाड़ी चालू करने के बाद गाड़ी का आरपीएम कितना तेज है। तो हम इसमें 2 नंबर की एलंकी लगाते हैं और इसे धीरे धीरे ढीला करेंगे, जिससे कि आरपीएम जैसे कम हो जाए तो वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। इतना भी आरपीएम कम नहीं करना कि जिससे गाड़ी बंद पड़ जाए। तो हमने देखिए ढीला किए, तो इसका आरपीएम कम हो गया गाड़ी का। आप सुन सकते हैं आवाज़ इसका कि गाड़ी का आरपीएम एकदम कम हो चुका है। तो बहुत ही इजी स्टेप्स है आरपीएम सेटिंग करने का। तो दोस्तों अभी हम जो ये नट था इसे हम टाइट कर देंगे वापस टीप आना लगा के। हमने ये नट जो था आरपीएम सेटिंग का, उसको भी हमने टाइट कर चुके हैं, और एलंकी के पाने से हमने सेटिंग किए। तो अभी देखिए इसका रेस जो आरपीएम है वो कंट्रोल हो चुका है। तो बहुत ही इजी स्टेप से आरपीएम सेटिंग करने का, और आरपीएम सेटिंग होएगा तो एवरेज गाड़ी का ऑब्वियसली मिलेगा। तो चलिए हम गाड़ी को भी फिटिंग करते हैं। गाड़ी पूरी कंप्लीट हो गई फिटिंग करके,
तो चलिए हम गाड़ी को चालू करके चेक करते हैं गाड़ी का आरपीएम रेस कैसा है। ये गाड़ी हमने चालू कर दी है, गाड़ी चालू है मालूम ही नहीं पड़ेगा कि गाड़ी चालू है क्योंकि इसका आरपीएम हमने सेट कर दिए है, जिससे आरपीएम कम होने के कारण गाड़ी मालूम ही नहीं पड़ेगा आपकी कि गाड़ी स्टार्ट है। और गाड़ी का टायर भी देखिए घूम नहीं रहा है, यदि यही आरपीएम ज़्यादा था तो ऑटोमेटिक ये टायर घूम रहा था, बट आरपीएम सेट होने के बाद गाड़ी का टायर नहीं घूम रहा है, मतलब कि इसका आरपीएम सेट हो चुका है और उसका गाड़ी का माइलेज भी अच्छे से मिलेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।